सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला घाटी नीचे क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन माफिया एवं रेत माफिया इतना सक्रिय एवं विलगाम हो गया है कि जब आज नई दुनिया के संवाददाता भूपेंद्र चतुर्वेदी रामपुर कला के द्वारा क्वारी नदी में जारौली घाट पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर लौट रहे थे, तभी जारौली गांव में रेत माफिया ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ अभद्रता कर उनके मोबाइल को और जेब से 500 रुपए लूट कर ले गए, जिस पर समस्त पत्रकार एवं नई दुनिया के संवाददाता के द्वारा रामपुर पुलिस में आकर रिपोर्ट की, जिस पर थाना प्रभारी ने तुरंत माफिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं 294 धारा 341 धारा 506 धारा 392 धारा 323 धारा 11 से 13 का मामला दर्ज किया गया है। मुरैना से कालीचरण कुशवाहा की खास रिपोर्ट। क्वारी नदी पर जो जारौली घाट पर पुल बन रहा है उसका समाचार कवरेज करने के लिए गया था। मेरे साथ हरेंद्र चतुर्वेदी भी थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और हम दोनों मोटरसाइकिल पे वापस आ रहे थे। हरेंद्र मोटरसाइकिल चला रहा था। जारौली गांव के रास्ते में हमको नरेश रावत सामने से आया और उसने हमारी मोटरसाइकिल जबरन रोकी और जबरन रोक करके हमको नीचे उतार लिया और हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, झगड़ा किया, मुझे जमीन में पटक दिया और मेरा जो है मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया और 500 रुपये भी लूट लिए। जो है ज़बरदस्ती लूटा उसने मोबाइल और 500 रुपये भी ज़बरदस्ती निकाल दिए। मैं कहता रहा कि अभी तेरा हमसे कोई विवाद नहीं है, तू क्यों हमसे लड़ रहा है, लेकिन वो उसने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी। ये पत्थर माफिया है और रेत माफिया है, ये लोग इनकी साठगांठ है यहाँ स्थानीय प्रशासन मशीनरी से और ये उनसे मिल करके ये धंधा करते हैं। और जब इनको आशंका थी कि ये हमारे फोटोग्राफ तो नहीं ले लिए, जबकि इनके हमने फोटो लिए नहीं थे, इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ जो है हम पर हावी हो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे और झूठे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस में झूठी हमारी रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमसे पैसे मांगते हैं पत्रकार लोग, जबकि किसी पत्रकार ने इनसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे। ये लोकल प्रशासन से मिलकर के ग्रामीण स्तर के लोगों से मिलकर के और ये माफिया है, ये इनके ट्रैक्टर ट्रॉली हैं इनके पास दो दो चार चार और ये लोग अवैध रूप से खंडा ढोते हैं और क्या कहते हैं रेत ढोते हैं। और जब इनका कोई समाचार प्रकाशित कराने के लिए समाचार कवरेज करता है तो उन पर झूठे आरोप लगाते हैं कि क्या कहते हैं जे सब हमसे पैसे मांग रहे थे, इन्हें हमसे 10,000 रुपये ले लिए और ये इस तरह की झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने का प्रयास करते हैं पुलिस से साठगांठ करके। जबकि इन्होंने आज मेरे साथ बहुत अभद्रता की है, जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे मुंडी भी छोटे आई हैं और मैंने इसकी रिपोर्ट की है रामपुर थाने में और रामपुर थाने में इनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है और उस पर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये हम देख रहे हैं। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है या सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस करती है, इनका बचाव करती है, तो हम आगे इसको ले जाएंगे प्रकरण को और क्या कहते हैं SP साहब को आवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए माफिया के खिलाफ। और ये सब लोग जो है दो नंबर का पूरा काम कर रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कटती, कोई राजनीति की न तो रेत की खदान है न ही खंडे की खदान है। इसके बाद भी फॉरेस्ट एरिया से खंडा चुरा के लाते हैं, रेत उठाते हैं ये नदी क्वारी नदी का और इधर उधर से लाते हैं कुछ रेत भी और कुछ खंडे चुरा करके ही बेचते हैं, इनका ये धंधा है। इस तरह से मैं इसमें पूरी कार्रवाई चाहता हूँ माफिया के खिलाफ। अगर प्रशासन माफिया के खिलाफ स्थानीय ये जो है रामपुर कला घाटी के क्षेत्र की माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है पुलिस या प्रशासन, तो इसके लिए हम बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, हम धरना देंगे, भूख हड़ताल कर बैठेंगे और इसको माननीय मंत्री स्तर तक ले जाएंगे पूरे मामले को। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इतना फास्ट निकालते हैं ये ग्रामीण रामपुर कला के गाँव के अंदर सड़कों पर ट्रैक्टरों को, जिससे कभी भी जन हानि होने का खतरा बराबर बना रहता है। और रात के समय निकालते हैं ये 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे 11 बजे के बीच में, सुबह के टाइम निकालते हैं ये 4:30 से 5:30 बजे के बीच में,
इस तरह से ये पूरा माफिया है, और इनको जो है स्थानीय राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इसके साथ में राघवेंद्र को छोटे कुशवा जारौली का वो भी संयुक्त है, वो और इनका मिलकर के एक संगठित गिरोह है माफियाओं का, और ये इस तरह का इस एरिया में धंधा कर रहे हैं बराबर।